ब्लैक स्पाइडर को तीर से निशाना बनाओ। मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। टिम टिम को ढूंढो, वो यहीं कहीं झाड़ियों में गिरा है। चिंटू कौन है? चिंटू तुम हो, ये तुम्हारा नाम है। ओह थैंक्स, मैं भी काफी देर से सोच रहा था मेरा नाम क्या है। ओके बाय बाय, सी यू, थैंक यू। चिंटू कहाँ जा रहे हो? मुझे इस जाल से छुड़ाओ प्लीज। ओह अभी छुड़ा देता हूँ। चिंटू जल्दी से मेरे साथ। टिम टिम को ढूंढो, वो यहीं कहीं झाड़ियों में गिरा है। अरे चिंटू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप महल में चलकर आराम कीजिए। कुछ खाने को मिलेगा क्या? खूब पेट भरकर खाना मिलेगा। सिपाही इन्हें ले जाओ। सॉरी इमली, मैं आवाज नहीं दे सकता, मेरा मुंह पूरी तरह से बंद है। वीर, वीर, बोल क्यों नहीं रहे? चिलपुर, वीर बोलता क्यों नहीं? उसका मुंह खास तौर से बंद किया है ताकि वो बोल न सके। वो बोलता है तो उसके हथियार निकल आते हैं। वो अब कभी नहीं बोल पाएगा। मुझे वीर को बचाना होगा, मुझे वीर को बचाना होगा। वाले जाले में है। टिम टिम तुम? हाँ वीर, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। ट्विस्टर सूट ऑन। ट्विस्टर सूट ऑन। लेजर स्क्रीन ऑन। मेरी लेजर स्क्रीन उस मिसाइल को नहीं रोक सकती, कुछ और करना होगा। फुल स्पीड ऑन। फुल स्पीड ऑन। Wing suit on. गए, लेकिन बार बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। नाना जी, मुझे उस मेले में जाके जायंट व्हील पे झूलना है। इमली बेटा, मेला अगले संडे से शुरू होने वाला है, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। इमली, उस मेले का मैनेजर मेरे पहचान का है, मैं उससे फोन पे कह दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू नाना जी। वीर चलो ना, जायंट व्हील में झूलने चलते हैं। अरे तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ, पर मुझे गाजर तो खा लेने दो। इमली बेटा, पहले पेट भर के खाना खा लो,
फिर जायंट व्हील पे झूलने जाना। हाँ बेटा। हाँ देखो नानी कितनी समझदार है। ये मेरा असली दोस्त है। फ्रेंड्स प्लीज कम एंड टेक फ्री गैस सिलेंडर। ये फ्री गैस सिलेंडर जिसमें एक सिलेंडर कम से कम 5 महीने चलेगा। ये हमारे घरेलू गैस का प्रमोशनल ऑफर है। 5 महीने? जी हाँ, 5 महीने तक ये सिलेंडर नहीं चला तो एक और सिलेंडर फ्री। एक सिलेंडर हमें भी दे दो भैया, हम भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये कितना। टिम्बक्टो क्या कर दिया तुमने बेवकूफ आदमी, तुमने फ्लाइट टेक ऑफ का स्विच तोड़ दिया है। तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, कम अक्ल हो, यूजलेस हो। दादाजी वो देखिए, वो रहा ट्री हाउस। बॉस बॉस लगता है कोई मेहमान आया है, मैं अभी आता हूँ। वहाँ स्पेस पे मिलने तुमसे कौन आ सकता है? वापस आओ और मेरी बात सुनो। सॉरी टिम्बक्टू, चुलबुल की तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। इट्स ओके, सॉरी कह दिया है तो नो प्रॉब्लम। हम इतनी दूर से आए हैं, कुछ चाय नाश्ता नहीं देंगे? हाँ हाँ जरूर, बैठिए बैठिए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहा हूँ। बॉस बॉस मैं अपनी अदरक वाली स्पेशल चाय बना के इन्हें पिलाता हूँ। बेवकूफ इंसान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। वो वीर को बचाने आए हैं, तुम्हारी अदरक वाली स्पेशल चाय पीने नहीं। ओप्स, बॉस बॉस ये तो मैंने सोचा ही नहीं। टिम्बक्टू जल्दी से बताओ वीर कहाँ है, वरना तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देंगे। मैं अपने बॉस से गद्दारी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊँगा वीर कहाँ है। शाबाश मेरे सच्चे सिपाही, कभी ना हार मानने वाले सिपाही। चुलबुल टिम्बक्टू को दुलाती मार मार के बाहर स्पेस में फेंक दो। वीर एक मेटल कैप्सूल में कैद है, यहाँ से राइट जाओ और फिर दूसरे कमरे से लेफ्ट, फिर सीधे उतर के नीचे, वहाँ वीर है। थैंक यू टिम्बक्टू, तुम बहुत अकलमंद आदमी हो। थैंक यू थैंक यू। बॉस बॉस मैं अकलमंद आदमी हूँ, डॉक्टर प्रेम सहाय कह रहे हैं तो सच ही होगा। वी रोबोट कहाँ हो? Super duper genius. She is right, boss. She is right. Timbuktu, जाओ और इस मैड मिंगो को ले जाकर वीर को पकड़ के ले आओ। और वो पकड़ में नहीं आए तो उसे वहीं खत्म कर दो। अब जाओ। ओके बॉस। मेरी कमर। ये रिमोट ले जाओ। म्याऊ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। चल मेरे मैड मिंगो, अब वीर के आते ही मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। दाना तो खिलाना ही पड़ेगा, वरना वो बाज मेरा डिनर करेगा। खा लो ना यार, आज नेशनल बर्ड्स डे है, प्लीज दाना खा लो, तुम्हें खाना ही होगा। खा लो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं किसी बाज का भोजन नहीं बनना चाहता। खाओ। हाँ, 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 हाँ,
ओए आंधी की तरह जाऊंगा, तूफान की तरह आऊंगा, डोंट वरी। हाय मेरी कार! इमली सामने देखो, वो फ्लेमिंगो दिख रहा है। वो फ्लेमिंगो नहीं, मैडमिंगो है और तुम्हें अपने साथ ले जाने आया है वीर। वो एक खतरनाक रोबोट है वीर। मैं अभी इस मैडमिंगो को अपनी दुलत्ती से ठीक करता हूँ। तुम यहीं रुको वीर। ए, मैडमिंगो, वीर तक पहुँचने से पहले तुम्हें इस चुलबुल नाम की दीवार को तोड़ना होगा। आ जाओ, हो जाए दो दो लात। को रोबोट डॉगी समझने लगा था। अरे मैडमिंगो, मैंने वो दीवार वाली बात मजाक में कही थी दोस्त।